असलम वालेकुम एवरीवान कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब हैरियत से होंगे मैंने आपसे दो तो तीन बार शेयर किया कि मैं शॉपिंग के लिए गई थी लेकिन ये नहीं दिखाया कि मैं क्या लेके आई थी तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी शॉपिंग कुछ ज्यादा तो नहीं फिलहाल लिया लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी शॉपिंग कर रही हूँ वो इनशाला मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक तो ये बैग मैंने लिया है और ये ऑफर पे लगा हुआ था एट पाउंड नाइन्टी नाइन का था यू कैन से नाइन पाउंड का था और जब हम लोग पहले एक बार गए थे तो मेरे हस्बैंड को ये बैग अच्छा लगा था लेकिन उस टाइम ये एटीन पाउंड का था तो मैंने नहीं लिया मैंने उनको बोला नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मुझे पता था इसने ऑफर पे जाना है जब ऑफर पे जाएगा तो मैं ले लूंगी लेकिन वो फोर्स कर रहे थे नहीं नहीं ले लो तो मैंने उनको इस तरह टाला नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लगा अभी जब मैं गई तो ये ऑफर पे था उनके पसंद का था तो मैंने सोचा की मैं ले लेती हूँ वो जो शूज आप देख रहे हैं ये इन शूज के साथ भी मैच कर रहा है लेकिन ये शूज मैंने अभी नहीं लिए ये मैंने के दिसंबर में लिए थे लेकिन अभी तक इनको मैंने पहना नहीं शूज के साथ का जो बैग था वो मैंने चैरिटी के लिए रख दिया तो ये बैग लेने की दो रीजन थी एक ये कि ये इन शूज के साथ मैच कर रहा था दूसरा ये कि ये मेरे हस्बैंड को अच्छा लगा था तो इसलिए ये बैग लेते हुए मैंने बिल्कुल नहीं सोचा और ये शूज़ भी इसीलिए दिखाए कि देखें ये कितने ज्यादा मैच कर रहे हैं इस बैग के साथ और ये एक ट्राउजर शर्ट में लेके आई थी अपने हस्बैंड के लिए उनको ऐसे ट्राउजर शर्ट्स अच्छे लगते हैं और वो हमेशा इन्हीं को पहनते हैं और इनमें वो ज्यादा कम्फर्टेबल रहते हैं तो जब ये ट्राउजर शर्ट मैंने देखे तो मुझे अच्छे लगे मुझे ट्राउजर ज्यादा अच्छा लगा था तो इसके साथ मैंने ये टी शर्ट जो है वो मैच कर ली थी ब्लैक कलर में तो ये मुझे ट्राउजर फिफ्टीन पाउंड का मिला था और शर्ट जो थी इसकी मुझे प्राइस याद नहीं आई थिंक फोर या सिक्स पाउंड की थी और इस ट्राउजर पे मुझे टू पाउंड डिस्काउंट मिला तो ये थर्टीन पाउंड का हो गया था आ, मुझे उन्होंने ऑफर सेंड की हुई थी ई की हुई थी तो जब मैं स्टोर में गई तो फिर उन्होंने मुझे ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट दिया था सब चीजों पर तो इसके जो है टू पाउंड ऑफ हुए थे और शर्ट में भी कुछ ऑफ मिला था आई थिंक ये फोर पाउंड थी और थ्री पॉइंट ट्वेंटी मैंने दिए थे और उसके साथ में ये ब्रशेस लेके आई हूँ अपने लिए ये मैं प्राइमार्क से लेके आई हूँ ये मुझे सेवेंटी फाइव पेन्स के फाइव मिले और मैं हमेशा यही लाती हूँ ये तकरीबन सिक्स मंथ तक चल जाते हैं लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो ये इन ब्रशेस को नहीं यूज करते वो कहते हैं ये क्या है लेकिन मुझे ठीक लगते हैं बस दांत ही साफ करने होते हैं कुछ भी नहीं होता इन ब्रशेस से ही कर लेती हूँ जरूरी नहीं कि तीन चार या पांच पाउंड का कोई ब्रश लेके आऊँ तो इनसे भी दांत साफ हो जाते हैं पहले मैं भी अच्छे वाले ब्रशेज लाती थी लेकिन अब मुझे लगता है कि वो वेस्ट ऑफ मनी है तो इसलिए अब मैं वो नहीं लाती साथ में मैं प्राइमार्क से ये हेयर बैंड भी लेके आई हूँ ये वाले सैम कलर सेम डिजाइन में मैंने लास्ट ईयर भी लिए थे जब मैं उम्र करने

ये जो लिपस्टिक है ये लॉरियल पेरिस की है और ये बहुत नाइस है वैसे मैं कोई भी ब्रांड की यूज कर लेती हूं, लेकिन आज मुझे ये नजर आई तो मैंने ये ले ली इस लिपस्टिक के कलर ने मुझे ज्यादा अट्रैक्ट किया इसीलिए मैंने इसको बाय कर लिया वैसे तो मेरे पास हर कलर की लिपस्टिक्स हैं लिक्विड फॉर्म में भी हैं लेकिन मैं मेकअप ही बहुत कम करती हूँ और जब भी करती हूँ तो लाइट कलर में ही लिपस्टिक वगैरह यूज करती हूँ डार्क लिपस्टिक जो है वो मैं ओकेनली ही यूज करती हूँ मुझे वैसे ज्यादा लाइट कलर ही पसंद है लिपस्टिक में और ये जो लिपस्टिक है इसका नंबर सिक्स फाइव नाइन है अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप भी कर लेना आपको भी अच्छी लगेगी और फाइनली यहाँ पे जाके कैमरे ने फोकस किया और मैं आपको दिखा सकी आप इसका नंबर वगैरह रीड कर सकते हैं अगर स्क्रीन लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन भी ले लें वो ये ऑनलाइन मिल जाएगी लेकिन मैंने सेंसर से बाय की थी और उसके बाद जी ये मैं ग्लासेस वगैरह लेके आई थी ये तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी इनको फिल्म करते हुए इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई बार बार इनमें मेरा फेस नजर आ रहा था लेकिन कैसे भी करके मैंने वीडियो बना ली वो मैं आपके साथ बाद में शेयर कर ती हूँ पहले आप ये टी शर्ट देख लें ये मैं अपने लिए लेके आई हूँ मेरे पास जो पहले ब्लैक कलर की टी शर्ट थी वो मैंने चैरिटी कर दी और मुझे अभी ब्लैक कलर की टी शर्ट चाहिए थी बाकी ज्यादातर में हैं, लेकिन ये वाली नहीं थी तो ये ये मैं ले आई फुल वाली है और ये मुझे पेंस की मिली है प्राइम मार्क से इस पर कोई ऑफर या कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं था बस ऐसे ही थी तो मैंने ले ली क्योंकि मुझे जरूरत थी ऐसा नहीं है की मैं फुल प्राइस पर चीजें नहीं बाय करती लेकिन जिन चीजों का मुझे पता होता है की इन पे ऑफर लगनी है और लगती होती है फिर वो मैं वेट कर लेती हूँ कि ऑफर लगे या डिस्काउंट को मिले तो फिर मैं ले लूंगी तो ये ग्लासेस हैं जी ये वाली मैं लेके आई हूँ प्राइमार्क से ये टू पाउंड की मिली है प्राइमार्क से मैं आज कोई भी चीज सेल से नहीं लेके आई वैसे बच्चों के कपड़ों पे काफी सारी सेल थी और वो मैंने नहीं लेने थे फिलहाल इसलिए मैंने नहीं लिए ये जो ग्लासेस है ये मेरी पहले वाली ग्लासेस है जो खराब हो गई है जो मैंने बताया भी था की मेरे बैग में रही और इनके ऊपर स्क्रेचिज पड़ गए आपको शायद थोड़े बहुत स्क्रेचेज नजर आ जाए लेकिन ये किस ब्रांड की थी वो मैं आपको दिखा देती ती हूँ ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है और काफी एक्सपेंसिव होती है जो लोग इस ब्रांड को जानते हैं उनको पता होगा आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं ये काफी हद तक खराब हो गई है लेकिन कोई बात नहीं हर चीज को वक्त के साथ खराब होना ही है हमें भी वक्त के साथ चले जाना है काफी टाइम से मैं ये यूज कर रही थी इस बार मैं सस्ते ग्लासेस लाई हूँ एक तो टू पाउंड के प्राइमार्क से और दूसरी जो थी वो मेटेलान से ली थी पाउंड की थी थ्री ट्वेंटी की मुझे मिली थी और तो ये मेरी आज की वीडियो यहाँ तक की थी अगर पॉसिबल हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें कोई ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इनशाला फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा हमें दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़